बस्ती जनपद में ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई में जुट गई है। कन्नौज में एसपी के जनता दरबार में फरियादी उमड़ पड़े। थानावार एसपी ने सबकी शिकायतें सुनी और गूगल मीट के जरिए संबंधित थानेदारों और प्रभारियों को समस्या के जल्द निस्तारण के लिए निर्देश दिए। कानपुर में बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी द्वारा पुलिस से अभद्रता करना और सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उसी को लेकर आज सैकड़ों सपाइयों ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेता के खिलाफ ज्ञापन सौंप कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए। सभी गंगा नदी में मछली पकड़ने गए थे, बारिश होने पर वहीं रुक गए। इस दौरान ये हादसा हुआ। कानपुर में एक पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। उसने फतेहपुर जिला से सपा विधायक विशंबर यादव के बेटे वरुण यादव पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पीड़ित महिला ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने ही वाली थी कि अधिकारियों ने उसे रोक लिया। गांव के दबंगों से परेशान पीड़ित महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रायबरेली में राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष रायबरेली अशोक कुमार सिंह समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर लालगंज तहसील व क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय लालगंज ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से निस्तारण किया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले के तहसील बासी के मिठवल कला गांव की रहने वाली एक महिला ने बासी तहसीलदार विंदेश गुप्ता के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ उप जिलाधिकारी बासी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। नवागंतुक जिलाधिकारी अजय द्विवेदी श्रावस्ती पहुंचे जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। कोषागार पहुंचकर जिलाधिकारी ने जिले का कार्यभार संभाला। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह सहित जिला स्तर अधिकारी गण मौजूद रहे। रायबरेली में क्षेत्र की बरछरावा लालगंज मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा डमरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नाबालिग बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के घाटमपुर तहसील में तैनात एक लेखपाल पंकज कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हनुमंत विहार थाने में उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। हरदोई में जहां महिला सिपाही की बड़ी बहन के शव से जेवर लूटने का मामला सामने आया है, इस अनोखी लूट मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सख्त रुख दिखाया है। जांच रिपोर्ट मिलने के कुछ देर बाद पोस्टमार्टम हाउस में तैनात दो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी को भी सख्त चेतावनी दी है। सीएमओ ने बताया कि अन्य पर जांच के लिए 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई है और शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। मेरठ में हर साल की तरह ऐतिहासिक नौचौंदी मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहलाया जाता है। इस मेले को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। नौचौंदी मेले की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। हरदोई की कछौना पुलिस ने भैंस चोरी कर भाग रहे भैंस चोरों के गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक पिकअप बाइक 3 तमंचे कारतूस 35,750 रुपए भी बरामद किए। बदायूं में लंबे समय से रिश्वत खोरी का अड्डा बनी तहसील पर एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा है। तहसीलदार के पेशकार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम पकड़े गए पेशकार को साथ ले आई और मूसाझाक थाने में आरोपी पेशकार और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। भद्रवाह क्षेत्र में एक लड़की को मौत के घाट उतारकर शव को हाईवे के समीप फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार भाद्रबाद क्षेत्र के शातरशाह गांव में किशोरी के साथ गैंगरेप और हत्या के आरोप में फंसे भाजपा नेता और प्रधानपति आदित्य राज सैनी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। आदित्य राज सैनी भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। इस मामले को लेकर पार्टी ने अपनी फजीहत को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई की है। संभल में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। खेत में महिला धान रोपाई करते समय यह हादसा हुआ। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कन्नौज में नहर में डूबे अधेड़ का 20 घंटे बाद पुलिस ने शव बरामद किया। इटावा से आई एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया है। अधेड़ मंगलवार को सकरावा की खड़ीनी नहर में डूबा था, जिसकी पहचान औरैया के नगरिया राजमपुर मृतक शिवपाल के रूप में हुई है। विसर्जन यात्रा में स्नान के दौरान नहर के तेज बहाव में मृतक डूब गया था। यूपी के झांसी के होनहार छात्रा संजना कुशवाहा सुसाइड के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का इंतजार करते करते जब उम्मीद की अंतिम सांस टूट गई तो छात्र संजना कुशवाहा को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। झांसी के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सिस्टम से हारी छात्रा को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अब इस मामले में यूपी की बीजेपी सरकार को इंडिया गठबंधन ने घेरना शुरू कर दिया है। फिरोजाबाद में भीम आर्मी चीफ ने मृतक आकाश के परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि दलितों पर आखिर अत्याचार क्यों हो रहा है, मृतक आकाश की मौत का प्रशासन सही जवाब दे, निर्दोषों पर कार्रवाई करे। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर बरसाती नदियों में दिखना शुरू हो गया है। मुनिकृति क्षेत्र में बहने वाली खारा स्रोत नदी में अचानक पानी आ गया। पानी आने से नदी की अवैध पार्किंग में खड़े 2 दर्जन से करीब वाहन फंस गए। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से फंसे वाहनों को बाहर निकाला। कन्नौज में सिपाही गजेंद्र और अनिल की मानवता से 8 साल की बच्ची की जान बच गई। बता दें सिपाही करण की चपेट में आई बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल भाग गए, जहां पर समय पर अस्पताल पहुंचने पर बच्ची की जान बच गई। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।